हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपन पिछली क्लास में भू परिसंचरण या टिलेज के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने प्राइमरी टिलेज की बात अपन कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर अपन सेकेंडरी टिलेज और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की बात अपन आज करेंगे। तो बात करते हैं सेकेंडरी टिलेज क्या होता है, द्वितीयक भू परिसंचरण क्या होता है। तो यह भू परिसंचरण जो प्राथमिक भू परिसंचरण के बाद इसको अपन करते हैं, और इसमें इसका मेन जो उद्देश्य है अच्छी बीज से या तैयार करना या भूमि को चूर्णित करना और उसको समतल करना जो है इसके अंदर सम्मिलित है। प्राथमिक के अंदर अपन ने देखा कि भूमि जो कठोर परत उसकी बनी हुई है उसको तोड़ने का जो काम किया गया है वो प्राथमिक के अंदर किया गया है। भूमि को तोड़ने या खोलने के बाद उसको भुरभुरा बनाना, उसके ढेले को फोड़ना, भूमि को समतल करना, उसके ऊपर क्यारी बनाना, वो ही आपका द्वितीयक भू परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। आफ्टर द प्राइमरी टिलेज टू प्रिपेयर अ गुड सीड बेड इंक्लूड द हैरोइंग, पल्वराइजिंग, रेकिंग एंड लेवलिंग प्रोसेस जो होती है वह सेकेंडरी टिलेज के अंदर की जाती है। कौन कौन से इंप्लीमेंट्स इसमें काम में आते हैं, तो कल्टीवेटर इसमें काम में लेते हैं अपन, देन हेरोस काम में लेते हैं, क्लाउड क्रशर इसमें काम में लेते हैं, और लेवलर को इसमें काम में लिया जाता है। अब इसमें जो सबसे पहला जो सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट आता है वह आता है आपका हेरो। हेरो जो है वह क्या प्रोसेस है, इसका क्या कार्य करता है, कट द सोइल टू अ शेलो डेप्थ फॉर अ स्मूथनिंग एंड पुलवराइजिंग द सोइल एज वेल एज टू कट द वीड्स एंड टू मिक्स। यह भूमि को कम गहराई पर काटता है एवं चूर्णित करने के साथ ही खरपतवार को काटकर भूमि में मिला देता है। तो यानी यह हैरो जो होते हैं ये भूमि की ऊपरी सतह को थोड़ा बहुत कट करते हैं, उसके बाद उसको पुलवराइजिंग अर्थात उसको चूर्णित करते हैं, उसके टुकड़े करते हैं बड़े पार्टिकल्स के, छोटे पार्टिकल्स के अंदर, एंड जितने भी खरपतवार के प्लांट्स अगर खेत के अंदर है उनको वहां से काट देते हैं और भूमि के अंदर मिलाने का काम करते हैं। हैरो जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार जो आता है हैरो का वह आता है आपके सामने डिस्क हैरो। डिस्क हैरो अर्थात जिसके अंदर क्या होती है, इस प्रकार से डिस्क होती है, ये सारी डिस्क है, और डिस्क आप जानते हो ये डिस्क जो होती है स्टील की बनी होती है, स्टील से बनी हुई होती है। इसके जो कॉर्नर्स जो होते हैं वे आपके कटिंग एजेस होती है, नुकीले होते हैं डिस्क। डिस्क जो होती है एक प्रकार से अवतल होती है एवं इसका जो व्यास होता है वह 35 से 70 सेंटीमीटर के बीच का व्यास इनका होता है। अब एक शब्द आता है गैंग, कि गैंग क्या है, गैंग मीन्स द ईच सेट ऑफ द डिशेज दैट आर माउंटेड ऑन अ कॉमन शाफ्ट इज कॉल्ड एज गैंग। अर्थात गैंग का अर्थ होता है एक शाफ्ट पर लगी एक से अधिक डिस्क। एक शाफ्ट पर एक से अधिक जो डिस्क लगी होती है उसे अपन जो है गैंग के नाम से जानते हैं। जैसे ये एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट पर जो है ये आपकी डिस्क लगी हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, छः, सिक्स, ये डिस्क लगी हुई है तो ये पूरा एक गैंग कहलाएगा, और दूसरा इस शाफ्ट पे और लगी हुई है तो ये आपका दूसरा गैंग कहलाएगा। तो डिस्क हैरो जिसके अंदर डिस्क होती है और जिन वो अवतल होती है 35 से 70 सेंटीमीटर जिनका डायमीटर होता है, और उसमें जो है जितनी भी डिस्क है वह एक गैंग के रूप में होती है अर्थात सारी एक साथ लगी होती है तो उसको अपन गैंग के नाम से जानते हैं। तो डिस्क हैरो के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला आता है सिंगल एक्शन डिस्क हैरो अर्थात एकल कार्य डिस्क हैरो। एकल कार्य डिस्क हैरो, सिंगल एक्शन डिस्क हैरो, हैरो विद द टू गैंग्स प्लेस्ड एंड टू एंड विच थ्रोज द सोइल इन द अपोजिट डायरेक्शन। अर्थात इसके अंदर क्या होती है, दो गैंग होती है जो एक के बाद एक लगी रहती है।
तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सिंगल एक्शन डिस्क एरो में ये पहली गेंग है, ये दूसरी गेंग है, ये पहली समाप्त हुई, इसके बाद दूसरी लगी हुई है। तो इसको अपन जो है सिंगल एक्शन डिस्क एरो के नाम से जानते हैं। इसमें क्या करता है, ये मिट्टी को विपरीत दिशा में पलटता या आप कह सकते हो फेंकता है। अर्थात कहने का अर्थ है ये जो गेंग है मिट्टी को इस साइड पलटेगा, ये वाली गेंग इस साइड पलटेगी। अर्थात राइट साइड का गेंग जो है मिट्टी को लेफ्ट साइड में पलटेगा, लेफ्ट साइड की गेंग जो है मिट्टी को राइट साइड में पलटने का काम करती है। तो सबसे पहले प्रकार का जो डिस्क हेरो होता है वो होता है आपका सिंगल एक्शन डिस्क हेरो, जिसके अंदर दो गेंग होती है। अब बात करते हैं डबल एक्शन डिस्क हेरो अर्थात द्विकार्य डिस्क हेरो। डबल एक्शन डिस्क हेरो की बात करें तो इसके अंदर दो या दो से अधिक गेंग जो होती है इसके अंदर लगी रहती है, तथा एंटायर फील्ड इज वर्क्ड ट्वाइस इन ए स्ट्रिप। एक बार में फील्ड को दो बार, एक ही ट्रिप के अंदर फील्ड को दो बार पलटा जाता है, मिट्टी को दो बार जो है पलटने का काम इसके अंदर होता है। डबल एक्शन डिस्क हेरो जो होता है दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला आता है आपका टेंडम डिस्क हेरो उसे कहा गया है जिसके अंदर चार गेंग हो उसे अपन जो है टेंडम डिस्क हेरो कहेंगे। जैसे कि यहां पे आपको बता रखा है ये पहली गेंग, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो ये जो है आपका टेंडम डिस्क हेरो है। टेंडम डिस्क हेरो जिसमें दोनों डायरेक्शन के अंदर गेंग होती है दो दो के रूप में, तो इसे अपन टेंडम डिस्क हेरो के नाम से जानते हैं। देन दूसरा जो प्रकार डबल एक्शन का आता है वो आता है ऑफसेट डिस्क हेरो के अंदर दो गेंग होती है और वो दोनों ही गेंग जो होती है बीच में नहीं होती, खींचने वाली रेखा के बीच में नहीं होती। दो गेंग होती है जो खींचने वाली रेखा के बीच में नहीं होती है। अर्थात आप देख सकते हो एक गेंग ये रही आपकी दूसरी, तो दोनों दूर दूर होती है, सेंटर में नहीं है, तो इसलिए इसको ऑफसेट के नाम से जाना गया है। और ये सामान्यतया ऑर्चार्ड या गार्डन के अंदर अर्थात बगीचों के अंदर जो है हेरोइंग के लिए कौन से हेरो को काम में लेते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। तो बगीचों के लिए जो हेरो काम में लेते हैं वो आपका ऑफसेट डिस्क हेरो काम में लेते हैं, जिसमें दो गेंग होती है, जिसमें पुल ऑफ लाइन जो होती है बीच में नहीं होती, खींचने वाली रेखा बीच में नहीं होती, अलग अलग होती है। जैसा कि आपको यहां पे भी दिखाई दे रहा है ये आपके ऑफसेट डिस्क हेरो का है, जिसमें ये पहली गेंग है, ये दूसरी गेंग है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन के अंदर है और दोनों के बीच में पुल ऑफ लाइन जो होती है वह सेंटर में नहीं होती है, वही आपका ऑफसेट डिस्क हेरो है। तो डिस्क हेरो जो होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, सिंगल एक्शन डिस्क हेरो जिसके अंदर दो ही गेंग होती है और वो एक ही दिशा में होती है, दूसरा है डबल एक्शन डिस्क हेरो जो दो अलग अलग दिशाओं के अंदर जो ये गेंग्स होती है, जिसमें पहला प्रकार है टेंडम डिस्क हेरो। टेंडम डिस्क हेरो में जो होती है चार गेंग होती है जो मिट्टी को अपोजिट डायरेक्शन में पलटने का काम करते हैं। देन ऑफसेट डिस्क हेरो जिसमें दो गेंग होती है लेकिन उसमें लाइन ऑफ जो पुल होती है वह बीच में नहीं होती है, इसलिए इसे ऑफसेट डिस्क हेरो कहा गया है, जिसे बगीचों के अंदर ऑर्चार्ड के अंदर हेरोइंग के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर दूसरा नंबर पर जो हेरो आता है वह आता है आपका स्पाइक टूथ हेरो का अर्थ होता है दांतेदार। तो ये स्पाइक टूथ हेरो दांतेदार होता है। इस प्रकार से इस हेरो के अंदर क्या होता है कि किल नुमा दांते लगे होते हैं। तो ये आप देख सकते हो किल नुमा दांते इसके अंदर लगे होते हैं, किसके अंदर, स्पाइक टूथ हेरो के अंदर, जो एक इसका दूसरा प्रकार है। देन आगे आता है आपका स्प्रिंग टूथ हेरो अर्थात
इसमें दांतेदार जो संरचनाएं होती है वह एक स्प्रिंग के द्वारा जुड़ी रहती है। दांतेदार संरचनाएं जो है स्प्रिंग के द्वारा जुड़ी रहती है, इसलिए इसका नाम स्प्राइंग टूथ हैरो है। और इसके अंदर जो होती है कठोर कठोर लचीली दांतेदार संरचनाएं होती है जो स्प्रिंग से जुड़ी रहती है, जो कठोर एवं पथरीली मिट्टी में पथरीली मृदा के अंदर जो पथरीली मृदा है वहां पे हेरोइन के लिए इसको काम में लिया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन अगला प्रकार का जो हेरो आता है वह आता है आपका एकमी हेरो। एकमी हेरो की बात करें तो इसमें हैविंग अ कर्व्ड नाइस यानी इसमें चाकू नुमा संरचनाएं होती है, इसलिए इस हेरो को नाइफ हेरो के नाम से भी जानते हैं अर्थात चाकू हेरो भी कहते हैं। तो आपको पूछ ले चाकू हेरो यानी चाकू जैसी संरचनाएं इसके नीचे की साइड में होती है, इसलिए इसे चाकू हेरो के नाम से जानते हैं। एकमी हेरो को बोला गया है गुड फॉर द पुलवेराइजेशन अर्थात यह चूर्णिल चूर्णित मर्दा को चूर्णित करने के लिए सबसे अच्छा या उपयुक्त हेरो माना गया है, अर्थात मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए जो है ये हेरो सबसे अच्छा रहेगा। देन नेक्स्ट वन आता है पटेला। पटेला के अंदर क्या होता है लकड़ी, लकड़ी को काम में इसमें लेते हैं, वुडन प्लैंक इसमें काम में लेते हैं। ये जैसे देख सकते हो आप लकड़ी का ये आपका बना हुआ है, इसके नीचे की साइड में जो होते हैं इस प्रकार से ये हुक होते हैं। क्या होते हैं लकड़ी के नीचे की साइड में हुक होते हैं, हुक लगे रहते हैं, इसी को जो है पटेला के नाम से जाना गया है। ये जो है सोइल को क्रशिंग द वीड्स खरपतवार को नष्ट करने के लिए और भूमि की ऊपरी सतह को समतल या अपन कहे उसके ढेले फोड़ने के लिए इसको काम में लेते हैं। देन आता है ट्रायंगुलर हेरो अर्थात त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार हेरो। इसके अंदर क्या होता है कि स्पाइक टूथ जो होते हैं यानी नुकीले नुकीले दांते जो होते हैं वह त्रिभुजाकार जो हेरो होता है उसके अंदर इस प्रकार से त्रिभुज आकार के हेरो के अंदर नुकीले दांते लगे रहते हैं, इसे अपन ट्रायंगुलर या त्रिभुजाकार हेरो के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट वन आता है ब्लेड हेरो या बखर ब्लेड हेरो। ब्लेड हेरो की बात करें ब्लेड यानी अपन पत्ती की बात करें वो नुकीली होती है, तो इस ब्लेड हेरो के अंदर ये वाला जो पोर्शन होता है जो सबसे आगे की साइड है इसे अपन ब्लेड कहेंगे, जो क्या होता है नुकीला होता है। और इसको जो क्या करते हैं जो कतार वाली जो फसलें होती कतारों में जो फसल होती है उन कतारों के बीच में जो खरपतवार होते हैं उनको हटाने के लिए इस हेरो को काम में लेते हैं, और सामान्यतया किसान इसको बोलता है बखर। तो एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि बखर क्या है, तो अभी कई बार पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना बखर एक प्रकार का ब्लेड हेरो है। क्या है ब्लेड हेरो है जो खरपतवारों को हटाने के लिए कतार वाली फसलों के बीच में दो कतारों के बीच में खरपतवार को हटाने के लिए ब्लेड हेरो को काम में लिया जाता है। कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ब्लेड एक से अधिक ब्लेड होती है जो एक बीम से जुड़ी हुई रहती है, यहां पे एक बीम से जो है ये जुड़ी हुई रहती है। यूज्ड फॉर द सेलो वर्किंग उथला कार्य करने के लिए, उथला कार्य यानी कम जो गहराई है उसमें कार्य करने के लिए काम में लेते हैं। ये एक स्वीप का काम करता है यानी ऊपरी सतह से किसी चीज को हटाने के लिए काम में आता है, इसीलिए खरपतवार खरपतवार नष्ट करने के लिए वीड के रिमूवल के लिए सबसे अच्छा माना गया है और नॉर्मली किसान इसको काम में लेता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। अगला जो हेरो आता है वह आता है घंटका, और घंटका हेरो जो है इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ब्लेड हेरो, यह एक प्रकार का ब्लेड हेरो ही होता है जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। इसमें यहां पे ये ब्लेड लगी हुई है, यहां पे ये ब्लेड लगी हुई है। कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ब्लेड एक या अधिक ब्लेड इसके अंदर होती है। देन सेम फंक्शन इज बखर, बखर की तरह ही यह कार्य करता है। सीड बेड प्रिपरेशन इन द क्ले सोइल, क्ले मृदा में बीज सेया तैयार करने हेतु इस हेरो को काम में लिया जाता है। तो क्ले मृदा में बीज से तैयार करने हेतु कौन सा हेरो काम में लेंगे, तो गंडका नाम का हेरो काम में लिया जाता है, जो आपको मालूम होना
चाहिए। तो ये हो गया आपके सबसे पहले प्रकार का जो है आपका हीरो कौन सा है, जो आपके द्वितीय का जो आपका ट्रेलेज इंप्लीमेंट है जिसमें डिफरेंट प्रकार के हीरोज की बात की, डिस्क हीरो की अपन ने यहाँ पे बात की, ट्रायंगुलर हीरो की बात की, स्पाइक टूथ हीरो की बात की, स्प्रिंग टूथ हीरो की बात की, ब्लेड हीरो की बात की, देन अपन इसमें घंटका की बात की, ये डिफरेंट टाइप हीरोज हो गया। दूसरा प्रकार का जो इसमें सेकेंडरी ट्रेलेज इंप्लीमेंट में आता है वह आता है आपका कल्टीवेटर। और आप देखते हैं मोस्टली किसान जो होता है प्लोइंग या अपन कहेंगे क्रॉप को लेने के लिए कल्टीवेटर अवश्य काम में लेता है। तो कल्टीवेटर आप लोगों ने देखा हुआ होगा और कल्टीवेटर को भारत के अंदर जो है अपन सामान्यतया टिलर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टिलर के नाम से इसको अपन जानते हैं। कल्टीवेटर परफॉर्म्स द फंक्शन बिटवीन दोज ऑफ द प्लो एंड हैरो। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यह आपके हल एवं हैरो के मध्य का कार्य करता है। हल एवं हैरो के मध्य का कार्य करने का काम कौन करता है अगर एग्जाम में आपको पूछ ले, यानी ये हल का भी कार्य करेगा और हैरो का भी कार्य करेगा, वो आपका कल्टीवेटर होता है। इस कल्टीवेटर के अंदर मुख्य भाग होता है टाइन। क्या होता है? टाइन। ये वाली जो है ये इसकी टाइन है। और टाइन जो होती है, कभी भी ध्यान रखना, किसी भी ट्रैक्टर के जो कल्टीवेटर होता है उसके जो टाइन की जो संख्या होती है, उसके जो नंबर होते हैं वह विषम संख्या में होते हैं, अर्थात ओड नंबर होते हैं, उसके इवन नंबर में टाइन नहीं होती है। जैसे कहने का अर्थ है टाइन 7 हो सकती है, 9 हो सकती है, 11 हो सकती है, 13 हो सकती है, 8, 10, 12 या 14 टाइन नहीं होती है, ये विषम संख्या में होती है, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहां पे भी आप देख सकते हो आगे की साइड में 5 टाइन है, पीछे की साइड में 6 टाइन है, तो यानी ये 11 टाइन का जो है आपका कल्टीवेटर है। ये जो होती है ये इजी पेनेट्रेट कर जाती है सोइल के अंदर और सोइल में से ढेलों को जो है तोड़ने के रूप में काम में लेते हैं, ऊपरी सतह को जो है एक प्रकार से खोलने के रूप में इसको काम में लिया जाता है। तो ये आपका कल्टीवेटर जो है ये दूसरे प्रकार का जो है अपन कह सकते हैं एक द्वितीय भूपरिष्कृत यंत्र है, जो आपको मालूम होना चाहिए, जो इंडिया में ज्यादातर काम में लिया जाता है। इसके बाद अगले प्रकार का जो आपका इंप्लीमेंट इसके अंदर आता है वह आता है ढेले तोड़ने वाला क्लाउड क्रशर। ये ढेले तोड़ने वाला जो यंत्र है ये भी, ये ढेलों को तोड़ने का काम करता है, ये भी आपके द्वितीय भूपरिष्कृत यंत्र के अंदर आता है। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है आपका इसमें लेवलर। लेवलर यानी जो भूमि को समतल करने के लिए, भूमि को समतल करने के लिए अर्थात लेवल करने के लिए काम में लिया जाता है, उसको लेवलर के नाम से जाना जाता है। ये भी आपके द्वितीय भूपरिष्कृत यंत्र के अंदर आता है। देन द नेक्स्ट वन इसमें अपन बात करते हैं, नेक्स्ट वन आता है पडलर। पडलर, पडलर जो होता है पडलिंग के लिए, नॉर्मली पडलिंग के लिए काम में लेते हैं। और पडलिंग जैसा कि आपको पता हो तो चावल के अंदर की जाती है। चावल के अंदर जैसा कि अपन कहते हैं पानी के अंदर इसका कल्टीवेशन करते हैं, तो भूमि के अंदर की सतह में पानी जो है डीप परकोलेशन उसका नहीं हो पाए, इसलिए पडलिंग करते हैं। और पडलिंग का हिंदी अर्थ होगा आपका लेह युक्त मर्दा तैयार करना। लेह युक्त मर्दा तैयार करने के लिए इसको काम में लेते हैं। तो ये भी जो है आपके सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट के अंदर आएगा। देन आता है रिजर। रिजर जो आपका रिज बनाने के लिए, रिज बनाने के लिए अर्थात मेड़ बनाने के लिए काम में लिया जाता है, अर्थात अपन एक पढ़ते हैं रिज एंड फरो। रिज एंड फरो जो होती है आपकी मेड़ और कुंड जो होती है उसको बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है रिजर को। यह भी आपका सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट के अंदर आता है। देन नेक्स्ट वन आता है रोटावेटर। काफी इंपॉर्टेंट है रोटावेटर, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो रोटावेटर जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक प्रकार का प्राइमरी कम सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट है, अर्थात प्राथमिक प्राथमिक एवं द्वितीयक भूपरिष्कृत यंत्र के रूप में जाना जाता है। यानी ये प्राइमरी टिलेज का भी कार्य करता है और सेकेंडरी टिलेज का भी कार्य करता है। एग्जाम में पूछ ले कि ऐसा कौन सा यंत्र है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य करता है, तो इसमें आंसर जाएगा रोटावेटर, जिसे अपन रोटरी टिलर, रोटरी टिलर या फिर रोटरी कल्टीवेटर के नाम से भी जानते हैं। तो रोटावेटर या रोटरी टिलर या रोटरी कल्टीवेटर जो प्राथमिक के साथ साथ द्वितीयक का काम भी करता है, जो मर्दा को पुलवराइजेशन का काम करेगा, प्रॉपर ग्राउंड लेवलिंग करेगा ऑपरेशन के बाद, अर्थात इसका जो कार्य है मर्दा को जोतने अर्थात प्लोइंग का भी ये कार्य करेगा। इसके बाद मर्दा को
चूर्णित करने का काम भी यह करेगा, पुलवेराइजेशन का काम भी इसके द्वारा किया जाएगा, और इसके बाद मृदा का समतलीकरण अर्थात सोइल को लेवल करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। इसी वजह से जो है ये आपके प्राइमरी कम सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट के रूप में जाना जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद कुछ टर्म्स देखते हैं, टिल प्लांट सिस्टम। टिल प्लांट सिस्टम क्या होता है? तो भूपरिष्करण के साथ ही पौधे भी तैयार करना और शुष्क खेती में सम्मिलित करते हैं। भूपरिष्करण की क्रिया टिलेज कर रहे, उसके साथ ही जो है प्लांटिंग की जा रही खेत के अंदर, तो उसे अपन टिलेज एंड प्लांटिंग और ऑपरेशन डन इन वन ऑपरेशन, एक ही साथ जो टिलेज करना और प्लांट लगाना ही आपका टिल प्लांट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अगली टर्म आती है न्यूनतम भूपरिष्करण, मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज की बात करें तो इसकी सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट या अवधारणा जो आई है ये कहां से आई है? तो ये यूएसए से आई है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कम से कम भूपरिष्करण क्रिया करना इसका मेन उद्देश्य है। यह जहां पे सघन खेती यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर ली जाती है, जहां खेत को बहुत कम खाली रखा जाता है, वहां पे मिनिमम टिलेज की जाती है, यानी कम से कम भूपरिष्करण किया जाता है। मिनिमम टिलेज प्रैक्टिस जनरली अडोप्टेड अंडर द इंटेंसिव क्रॉपिंग लाइक ग्राउंडनट सीसीएम क्रॉपिंग सिस्टम इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर जो है मिनिमम टिलेज सिस्टम जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में यह फॉलो किया जा रहा है। ग्राउंडनट सिस्टम जो फसल पत्ती है उसके अंदर काम में लेते हैं। देन अगली टर्म आती है इसके अंदर शून्य भूपरिष्करण, यानी कि जीरो टिलेज, बिल्कुल ही टिलेज की एक्टिविटीज नहीं करना, भूपरिष्करण बिल्कुल ही नहीं करना और उसके बिना खेती करना, उसे अपन जीरो टिलेज कहेंगे। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज, यह न्यूनतम भूपरिष्करण की चरम अवस्था है, उससे बढ़ती हुई अवस्था के रूप में इसको जाना गया है। जीरो टिलेज जो शब्द दिया गया है, यह शब्द किसने दिया? तो यह शब्द जो दिया है वह जेथ्रो टूल नाम के वैज्ञानिक ने जीरो टिलेज नाम का शब्द दिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो टिलेज, इसकी जो अवधारणा दी गई है जीरो टिलेज की, वह 1940 के आसपास एडवर्ड फॉल्कनर ने जो है जीरो टिलेज की अवधारणा दी। जीरो टिलेज के पितामा, फादर ऑफ जीरो टिलेज किसे कहा गया है? तो फादर ऑफ जीरो टिलेज जीबी ट्रिपलेट को कहा गया है। जीबी ट्रिपलेट को जो है जीरो टिलेज का पितामा कहा गया है। जीरो टिल ड्रिल, ड्रिलिंग ऑफ द वीट इज बिकमिंग अ अल्टरनेटिव टू द कन्वेंशनल टिलेज एंड सोइंग ऑफ द वीट एंड राइस, यानी इंडो गंगेटिक प्लेन्स के अंदर जो है जीरो टिलेज को काम में लिया जा रहा है, जहां पर वीट के बाद राइस का कल्टीवेशन करते हैं। तो अपने देश में किस फसल पद्धति के लिए जो है जीरो टिलेज, किस फसल क्रॉपिंग पर सिस्टम के लिए, किस फसल पद्धति के जो लिए है जीरो टिलेज काम में ले रहे हैं? तो वीट राइस के लिए लिया जा रहा है इंडो गंगेटिक प्लेन के अंदर, जो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है कि भाई जीरो टिलेज टर्म किसने दी, तो जेथ्रो टूल ने दी। इसके फादर कौन है? तो वो ट्रिपलेट है। इसको कौन सी फसल पद्धति के लिए काम में ले रहे हैं? वीट और राइस के लिए। कहां ले रहे हैं? इंडो गंगेटिक प्लेन्स के अंदर, जो आपको पता होना चाहिए। देन इसमें आगे देखते हैं अपन सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल जो होती है सोइंग के लिए काम में आती है। बेसिकली सीड ड्रिल, अगर अपन नॉर्मली सीड ड्रिल बोल रहे हैं, सीड ड्रिल अर्थात इसके अंदर क्या होगा? सिंगल कंपार्टमेंट, यानी इसकी जो ये पेटी है इसके अंदर एक ही कंपार्टमेंट होता है, और उसमें क्या डाला जाता है? सीड डाला जाता है, और सीड को क्या करेंगे? उसकी सोइंग करेंगे, उसकी बुवाई करने के लिए इसको काम में लेते हैं। तो यानी कि सिंगल कंपार्टमेंट है तो उसे अपन सीड ड्रिल कहेंगे। लेकिन जब उसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, अर्थात इसके अंदर दो कंपार्टमेंट जो होंगे वो होंगे, दो पेटियां इसके अंदर होगी, जिसमें एक के अंदर अपन लेंगे सीड और दूसरे के अंदर अपन लेंगे फर्टिलाइजर। तो इसको सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के नाम से जानते हैं। तो इसका जो प्लेसमेंट होता है उसमें आपको पता होना चाहिए, फर्टिलाइजर जो होगा वह नीचे की साइड गिरेगा भूमि में, और उसके ऊपर की साइड जो गिरेगा वह आपका सीड गिरेगा, और यह आपके भूमि की सतह होगी। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्चुअल पोजिशन जो है वह क्या होनी चाहिए सोइंग के हिसाब से देखा जाए,
तो फर्टिलाइजर जो है डीप गिरना चाहिए और जो सीड है वो थोड़ा उसके ऊपर गिरना चाहिए। तो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जो है, अगर इन दोनों में से बात करें तो आपका सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल आपका बेस्ट रहेगा। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के कौन कौन से पार्ट होते हैं इसकी अगर अपन बात करें तो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल हैज अ लार्ज सीड बॉक्स विच इज डिवाइडेड लेंथ वाइज इंटू टू कंपार्टमेंट, वन फॉर द सीड एंड अनदर फॉर द फर्टिलाइजर के लिए होता है। इसके कौन कौन से भाग होते हैं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के, तो पहला तो होता है इसका फ्रेम और दूसरा होता है सीड बॉक्स एंड फर्टिलाइजर बॉक्स। सीड बॉक्स एज वेल एज फर्टिलाइजर बॉक्स, बीज और फर्टिलाइजर बॉक्स होता है। सीड मीटरिंग मैकेनिज्म अर्थात बीज मीटर, जिसके द्वारा जो होता है बीज कितनी मात्रा में उसमें से निकलना चाहिए, बीज मीटर लगातार रहता है। फरो ओपनर जो है वहां पे फरो जो आपकी है उसको ओपन करता है, खोलने का काम करता है। कवरिंग डिवाइस जो ढकने का काम करता है। देन ट्रांसपोर्ट व्हील जो आगे गति करने के लिए, उसको गति देने के लिए जो है पहिया लगा रहता है आगे की साइड, दैट इज नोन एज द ट्रांसपोर्ट व्हील के नाम से इसको जाना गया है। अब बात करते हैं सीड मेटरिंग जो डिवाइस होती है, बीज मीटर जो होता है जो बीज कितनी मात्रा में गिरना चाहिए। द मैकेनिज्म विच पिक अप द सीड्स फ्रॉम द सीड बॉक्स एंड डिलीवर देम इनटू द सीड ट्यूब इज नोन एज द बीज मीटर और सीड मेटरिंग मैकेनिज्म। ये अलग अलग प्रकार का होता है, दैट इज द फ्लूटेड फीड टाइप जो ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, देन द इंटरनल डबल रन टाइप, देन कप फीड टाइप, देन सेल फीड टाइप, ब्रूस फीड टाइप, अंगर फिट टाइप, पिकर्स व्हील टाइप, स्टार व्हील टाइप। इतने प्रकार का जो होता है सीड मीटर होता है, इनमें से कोई एक प्रकार का मीटर जो होता है उस पर्टिकुलर सीड ड्रिल के अंदर लगा रहता है। मोस्टली आपको ध्यान रखना है फ्लूटेड सीड टाइप, फिट टाइप, जो सीड मीटर के रूप में काम में आता है। जबकि फर्टिलाइजर को रेगुलेट करने के लिए जो होता है अगर टाइप जो फिट टाइप होता है उससे जो है फर्टिलाइजर जो होता है उसकी क्वांटिटी रेगुलेट होती है कि भाई कितनी गिरनी चाहिए। अब उसके बाद उसकी जो ट्यूब लगी रहती है उस सीड, उसका सीड बॉक्स और फर्टिलाइजर बॉक्स से, उसका डायमीटर मिनिमम डायमीटर जो होता है सीड एंड फर्टिलाइजर ट्यूब का वह 25 mm माना गया है। कितना माना गया है? 25 mm उसका डायमीटर माना गया है उस ट्यूब का जिसके थ्रू जो होता है सीड और फर्टिलाइजर नीचे की साइड आते हैं। देन इसमें नेक्स्ट वन आता है प्लांटर। प्लांटर की बात करें तो प्लांटर जो होता है ये भी सामान्यतया फसल की बुवाई के लिए काम में लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्लांटर का क्या काम है, सोइंग के लिए ही काम में आता है। सोइंग इक्विपमेंट यूज फॉर द सोइंग दो सीड्स विच आर लार्जर इन साइज, बड़े आकार के बीजों, बड़े आकार के बीजों की बुवाई के लिए इसको काम में लिया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग इज मेंटेन, यानी इसमें आपकी कतार से कतार एवं पौधे से पौधे की दूरी जो होती है उसको मेंटेन किया जा सकता है प्लांटर से बुवाई करके। और ज्यादातर प्लांटर अपने देश में काम में ले रहे हैं वह ले रहे पोटेटो प्लांटर आलू की बुवाई के लिए, इसके अलावा मेज प्लांटर मक्का की बुवाई के लिए, कॉटन प्लांटर कपास की बुवाई के लिए। तो सबसे ज्यादा जो फेमस है वह है आपका पोटेटो प्लांटर जो आलू की बुवाई के लिए काम में लिया जा रहा है। तो प्लांटर क्या होते हैं, जो क्रॉप की बुवाई के लिए जिनके सीड साइज जो होती है बड़ी होती है उस केस में प्लांटर को काम में लेते हैं। देन नेक्स्ट वन आता है आपका रीपर। रीपर जो होता है यह क्या है, तो एक प्रकार की हार्वेस्टिंग मशीन है। हार्वेस्टिंग मशीन है फसल की कटाई, फसल की कटाई के लिए काम में लेते हैं। जैसे आपका गेहूं हो गया, आपका जो हो गया, आपका चावल हो गया, वीट राइस बार्ले, इनकी हार्वेस्टिंग के लिए जो है रीपर को काम में लेते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए इसको काम में लिया जाता है। देन द थ्रेसर। थ्रेसर क्या होता है, जो है फसल से बीज को अलग करने वाली मशीन, यानी इट मीन्स सेपरेट सीड फ्रॉम क्रॉप प्लांट, फसल के पौधे से बीज को अलग करने वाली मशीन, यह आपका थ्रेसर के रूप में होता है। थ्रेसर का काम है कि सीड को अलग करना, बीज को अलग करना, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है कंबाइन हार्वेस्टर, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी काम में लिया जा रहा है कंबाइन हार्वेस्टर।
कंबाइन हार्वेस्टर कुछ इस प्रकार का होता है, बड़ा सा होता है। ये जो एक प्रकार का मॉडर्न टेक्निक है जो आपको पता होना चाहिए, इसमें जो फंक्शनिंग होती है कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर, जैसा इसका नाम है तो ये इसमें तीन प्रकार की प्रक्रिया होती है, तीन सेपरेट ऑपरेशन इसके अंदर होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग जिसे रिएपिंग के नाम से भी जानते हैं। तो हार्वेस्टिंग अर्थात फसल की कटाई करना, फसल की कटाई करना, फसल को काटना। देन दूसरा काम है थ्रेसिंग, थ्रेसिंग, थ्रेसिंग अर्थ है दाना अलग करना, दाने को सेपरेट करना फसल से। और तीसरा काम है इसमें विनोइंग, विनोइंग, विनोइंग का सीधा सा अर्थ है विनोइंग, विनोइंग अर्थात दाने को साफ करना, दाने को साफ करना, उसमें कोई कचरा वचरा नहीं रहे, स्टोन नहीं रहे। ये सारे तीनों जो प्रैक्टिस है ये कंबाइन थ्रेसर के द्वारा किए जाते हैं। फसल की कटाई की जाती है, थ्रेसिंग की जाती है एंड विनोइंग अर्थात उसको साफ करने की प्रक्रिया एक साथ होती है कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर, जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। कंबाइन इज अ रिपर, रिपर, रिपर होता है जो थ्रेसर जो होता है एक ही व्हील से जुड़े रहते हैं और थ्रेस करने के बाद क्लीन करने का कार्य जो होता है इसमें एक ही प्रक्रिया के अंदर होता है। दिस अलाउज द क्रॉप टू बी हार्वेस्टेड मोर क्विकली, यानी काफी बहुत जल्दी जो है फसल की कटाई की जा सकती है, बहुत जल्दी फसल की कटाई की जा सकती है। अर्थात इसके अंदर जो समय लगेगा वो आपका कम लगेगा और इफिशियंटली दक्षता पूर्वक जो है कार्य ये करेगा। इसके बाद अनेबल्स द फार्मर्स टू हार्वेस्ट लार्जर अमाउंट्स, यानी बड़े क्षेत्र में फसल की कटाई करने के लिए इस यंत्र को काम में लिया जाता है और कम समय में फसल की कटाई कर ली जाती है। तो कंबाइन हार्वेस्टर जो होता है उसके तीन फंक्शन होते हैं, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। देन नेक्स्ट वन आता है डिबलर, डिबलर इस प्रकार का होता है और डिबलर क्या करता है, इंडिविजुअल सीड्स की जो है इंडिविजुअल वन सीड और मोर देन वन और टू सीड्स को जो है सोइंग करने का काम में लेते हैं। तो डिबलर जो है एक प्रकार का सोइंग की मशीन है, बीज बीज के बुवाई की जो है, बीज बुवाई जो है इसके द्वारा की जाती है और इसकी बुवाई की जो प्रक्रिया होती है डिबलर के द्वारा बुवाई, उसे अपन डिबलिंग कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं डिबलिंग क्या है, तो डिबलिंग मीन्स द सोइंग मेथड है, फसल की बुवाई की विधि है जो आपको मालूम होना चाहिए। देन आता है मोवर, मोवर क्या है, तो मोवर की बात करें तो जो लॉन होते हैं, लॉन होते हैं उसके अंदर घास को काटने के लिए, घास को काटने के लिए, कटिंग द कटिंग ऑफ ग्रासेस, ग्रासेस को काटने के लिए जो यंत्र काम में लेते हैं उनकी साइज बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उस केस में मोवर को काम में लिया जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन आता है सोड सीडिंग, सोड सीडिंग क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जो एग्जाम में पूछी जाती है, सोड सीडिंग क्या है, आपका इसका अर्थ पता होना चाहिए। सोड सीडिंग मीन्स द नो टिल और डायरेक्ट सीडिंग इनटू अ पेरेनियल ग्रास और अ लेग्यूम स्टैंड, अर्थात बिना बिना जुताई के बीजों की सीधी बुवाई, यानी बिना जुताई किए हुए उसके अंदर जो है बुवाई कर देना, क्रॉप को सोन कर देना ही सोड सीडिंग कहलाता है, जो पेरेनियल ग्रास और लेग्यूम के अंदर किया जाता है, जहां पे पाश्चर होते हैं, चारागाह होते हैं, चारागाह के अंदर उनके रिनोवेशन के लिए में रिक्वायर्ड द टर्मिनेटिंग द फोरेज, उसमें फोरेज को घास वाली फसल को, घास को जो है हटाया जाएगा एंड कन्वर्टिंग इंटू एन्यूअल क्रॉपिंग सिस्टम, उसे वार्षिक फसल पद्धति में बदला जाता है। तो उसके लिए जो है उसमें क्या करते हैं कि बिना जुताई किए हुए ही उसमें फोरेज को बदल दिया जाता है, अगर फसल को बदल दिया जाता है। तो सोड सीडिंग का सीधा सा बेसिक अर्थ निकलता है बिना जुताई के बुवाई करना, बिना जुताई के बुवाई करना ही सोड सीडिंग कहलाती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये सारा हो गया टिलेज के बारे में, एक भाई सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट कौन से क्या होते हैं, इसके इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और कौन से बचे थे वो अपन ने आज की क्लास के अंदर डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।